हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। तो हम इसमें 3-4 मंथ के डेज़ पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, 4 जनवरी होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल एक लिपि होती है जो लोगों को दिखता नहीं है। दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनकी जो लिपि होती है जिससे वो लोग वर्ड्स को समझ सकते हैं, मतलब वो हाथों से छू छू कर, वो उभरी हुई होती है पेपर के ऊपर, उससे छू करके वर्ड्स को समझ लेते हैं, वो होती है ब्रेल लिपि या फिर ब्रेल स्क्रिप्ट। तो उसी के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। 9 जनवरी को होता है NRI डे। NRI डे या फिर भारतीय प्रवासी दिवस। इसमें 9 जनवरी को क्या हुआ था, जो गांधी जी थे वो बहुत ही लगभग 20 साल, 20 से 25 साल अराउंड के बाद इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो उस दिन को मनाने के लिए हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस या फिर NRI डे मनाते हैं। 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी को और हिंदी के कंट्रीब्यूशन को, इस सब के बारे में। 12 जनवरी को हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे। इस दिन होता है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। और एक यूथ आइकन थे वो, उन्होंने युवाओं को बहुत ही मतलब अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। बहुत ही अच्छे अच्छे उनके कोट्स और थॉट्स हैं, जैसे कि एक है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और भी बड़े अच्छे अच्छे इनके थॉट्स हैं स्वामी विवेकानंद जी के। तो इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं। 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। 24 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इस दिन छोटी, क्योंकि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और बच्चियों को लोग ना मारें, अच्छे से उनकी देखभाल करें, उनकी शिक्षा में योगदान करें पेरेंट्स, और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को मनाते हैं। 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो एक वोट है, जो वोट देने का हमारे पास हक है, हमको उसको वोट देकर के आना चाहिए हर इलेक्शन में, और ये एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है। तो उसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 26 जनवरी तो हमारा रिपब्लिक डे होता ही है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, और इसी दिन होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो हमारे लिए तो यही इम्पॉर्टेंट है कि हमारा इंडियन रिपब्लिक डे होता है। तो जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज हो गए कवर। अब देखते हैं हम फरवरी के। तो देखिए, 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे, मतलब कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि किन किन चीज़ों से कैंसर हमें हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हमें टोबैको अवॉइड करना चाहिए। इंटॉक्सिकेंट्स जो होते हैं जैसे कि शराब, गुटखा और स्मोक, ये सब नहीं करना चाहिए। और पेस्टिसाइड्स, इन्फेक्ट जो होते हैं, हम लोग खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों से कैंसर हो रहा है। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। 7 फरवरी को सेफ़र इंटरनेट डे मनाया जाता है। आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा, कितना नॉलेज भी हमें प्रोवाइड कर रहा है और अनसेफ भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अनसेफ किस तरीके से हो गया है, या फिर सेफ्टी मेजर्स को बताने के लिए, फैलाने के लिए जो है सेफ़र इंटरनेट डे मनाया जाता है 7 फरवरी को। 10 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल डी वॉर्मिंग डे, मतलब जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से बच्चों को भूख कम लगती है, तो उसमें दवाई बांटी जाती है हर स्कूल में। और इससे क्या होता है कि अवेयरनेस फैलती है कि पूरे सही टाइम पे हम चेकअप कराते रहें। और ये मेनली जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, देखिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए किए जाते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए समाज में जिन चीज़ों के बारे में, उन्होंने इंपॉर्टेंट डेज को हम मनाते हैं। तो 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है। 12 फरवरी को तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए चीज़ों की। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, तो रेडियो डे। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, तो है कि सबको पता होगा। और
20 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को फैलाने के लिए और उसके बारे में अवेयरनेस। अब देखिए इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रखना रह गया है, 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 1 ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, मतलब बिल्कुल भी भेदभाव ना किया जाए उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए है। 1 मार्च को होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या फिर नेशनल डिफेंस डे, 2 डेज होते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को और नेशनल डिफेंस डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मतलब जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु हैं, उनको ना मारा जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उसके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च जो है नेशनल सिक्योरिटी डे, और 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। कल ही था 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे था, कल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर अभी आपका रिसेंटली जीके का एग्ज़ाम है तो ये आ सकता है। 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे, स्मोक नहीं करनी चाहिए, उसके हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो बताए जाते हैं। 15 मार्च वर्ल्ड डिसेबल्स डे या फिर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर राइट डे होता है जो हमारे जो हम लोग होते हैं ना, कंज्यूमर्स होते हैं, हम उपभोक्ता होते हैं, हम सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान अगर हम खरीद रहे हैं तो हम कंज्यूमर हैं, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई सामान हमें ख़राब दे दिया जाए तो किस तरीके से हम उसके खिलाफ़ केस कर सकते हैं, तो उसको अवेयरनेस बताने के लिए, बढ़ाने के लिए कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है। अब 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, और 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फिर वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो बचपन में ही हो जाती है बच्चों को, बहुत ही कम बच्चों को होती है, इससे काफ़ी दिमागी तौर पर बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो वो होता है डाउन सिंड्रोम। या और इसमें वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पेड़ों को लगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। 22 मार्च ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे मतलब कि पानी ना बर्बाद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारी अवेयरनेस को फैलाने के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23 मार्च को होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मेट्रोलॉजी होती है देखिए जैसे कि जो भी हमारा मौसम है, कैसा मौसम रहने वाला है, मेट्रोलॉजी से ही वो बताया जाता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है 23 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस डे, ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो काफ़ी जानलेवा बीमारी है, और उसमें मतलब हवा एस टी ट्यूबरकुलोसिस जिस व्यक्ति को है उसके कॉन्टैक्ट में आकर के, उसके छींकने से या सांस लेने से कांटेक्ट में आकर किसी को भी वो फैल सकता है, काफ़ी डेंजरस ये बीमारी है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी डे। और 27 मार्च को होता है वर्ल्ड थिएटर डे, तो ये हम लोगों ने 3 मंथ के पढ़ लिए, जनवरी फरवरी और मार्च के इंपॉर्टेंट डेज, सो थैंक यू।